दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी आईटीसी की रिवर्सल एंट्री किस प्रकार करी जाती है। दोस्तों ऐसा कोई भी जीएसटी टैक्स जिसका आईटीसी क्लेम हम बुक्स में कर चुके हैं लेकिन बाद में हमें पता चला भी इस आईटीसी के लिए हम एलिजिबल नहीं है, ये टैक्स हमें वापस रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हम प्रैक्टिकली रूप से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री करने से पहले हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे भी। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आईटीसी रिवर्सल के बारे में है, यानी कि ऐसा कोई भी जीएसटी क्लेम जो हमने हमारे लिए वो एलिजिबल था, उस टैक्स के लिए हम एलिजिबल नहीं है, फिर भी हमने हमारे बुक्स में जानकारी के अभाव में उसको एंट्री कर ली और उसका 3B में और जीएसटी 2 में उसका क्लेम भी कर लिया। लेकिन ये बात हमारी जीएसटी ऑडिट के दौरान पकड़ में आई, ऑडिटर ने इस बात को ये मानते हुए इस आईटीसी को रिजेक्ट कर दिया भी आप इस आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को वापस पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। अब जैसा कि 2019-20 की जीएसटी ऑडिट चल रही है, अब हम ऐसा कोई भी 2019-20 के दौरान हमने जीएसटी की ऐसी एंट्री कर दी जो हम एलिजिबल नहीं थे, फिर भी हमने कर दी लेकिन वो जीएसटी ऑडिट के दौरान पकड़ में आई। अब हम उस एंट्री को डिलीट तो कर नहीं सकते क्योंकि बुक्स की ऑडिट भी हो चुकी है, उसी बुक्स के अकॉर्डिंग हमने इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न की फाइलें भी करती है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी इन एलिजिबल टैक्स की एंट्री, जैसे मान लीजिए हमने फरवरी 2021 में ऐसी कोई एंट्री कर दी और वो फरवरी 2021 की रिटर्न फाइल करने से पहले पहले हमारे पकड़ में आ जाती है भी ये एंट्री हमारे इस तरीके से नहीं करनी चाहिए जिसके लिए हम आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस एंट्री को हम डिलीट करके लीगल तरीके से एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात हो रही है यहाँ पे 2019-20 के सेशन की, क्योंकि अब 19-20 की ऑडिट अब चल रही है और उसकी ऑडिट की ऑडिट के टाइम में जो हमें ऐसा कोई मैटर सामने आता भी इसकी रिवर्सल एंट्री में करनी पड़ेगी तो वो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कुछ एंट्रियां करके रखी हुई है, वो एंट्री में एक बार देख लेते हैं फिर उसकी रिवर्सल एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं डे बुक ओपन करूंगा और ऐप टू पीरियड ओपन करके सारे ट्रांजेक्शन ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ एक ऐसा टैक्स है जो जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसकी एंट्री हमारे बुक्स में कर ली है। कौन सी एंट्री है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे और लेजर ओपन करेंगे और एक में बाइक रिपेयरिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमने एक बाइक परचेज करी हुई है और उसकी जब सर्विस हमने कंपनी से करवाई तो कंपनी ने हमें उसका सर्विस का इनवॉइस भी दिया, तो उस इनवॉइस पे सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स भी लगा हुआ था और हमने एज ए उसी इनवॉइस को देखते हुए हमने उसकी एंट्री भी हमारे बुक्स में कर ली, यानी कि उस खर्चे पर भी हमने आईटीसी क्लेम कर लिया जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं थे, ये एंट्री हमने जानकारी के अभाव में एंट्री कर ली। लेकिन अब हमें ये टैक्स है जो रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे ये जो एंट्री हमने कर रखी है इस एंट्री का हमारे जीएसटी रिटर्न पे इफेक्ट कहाँ कहाँ आया था और रिवर्स एंट्री करने के बाद में इसका इफेक्ट कहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम हमारी रिटर्न है जो 3B को देखेंगे। तो 3B की रिटर्न देखने के लिए जीएसटी रिपोर्ट पर जाएंगे और 3B पे जाएंगे और F2 करके एक बार मैं सारा पीरियड है जो ओपन कर देता हूँ मैं और उसके बाद में हम आईटीसी के मैटर पे आते हैं, एलिजिबल आईटीसी और इस पर एंटर प्रेस करेंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे हमारा जो एलिजिबल आईटीसी है ऑल अदर आईटीसी में, तो इसमें जो वो एंट्री हमारी एबीसी मोटर्स की ये एंट्री हमारी यहाँ पर आई हुई है, ये वो एंट्री है जो हमने परचेज वाउचर में इसकी खर्चे की एंट्री करी है और ये 2A में भी हमने इसका क्लेम कर लिया और 3B में क्लेम कर लिया और 2A के अंदर भी इसका जो रिकॉर्ड है वो B2 में इसका रिकॉर्ड आ रहा है, इसकी एंट्री भी B2B में आ रही है जीएसटीआर 2 में और एनुअल रिटर्न में भी आपको ये शो करेगा। और Alt+F1 के साथ डिटेल अगर हम करेंगे और स्क्रॉल करके हम आईटीसी के कॉलम पर आएंगे तो ये एंट्री आपको इस सर्विस ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी, यानी कि ऑल अदर आईटीसी सर्विस। और इस टैक्स के लिए जो
₹33 और 39 पैसे और ₹33.39 जो टैक्स हमने क्लेम किए हैं इसे रिवर्सल करना है। तो जब हम रिवर्सल करेंगे तो जो हमारा टोटल आईटीसी अभी जो आ रहा है ₹10,260.10 का, तो इसे ये जो हमारा आईटीसी है इस ₹33.39 से कम हो जाएगा और ये जो एंट्री हमारी इस रिवर्सल के ऑप्शन पर आ जाएगी। यानी कि ये जो आपको एनुअल रिटर्न में दिखता है आईटीसी रिवर्सल एंड इन एलिजिबल आईटीसी डिक्लेयर, तो ये जो एंट्री इस कॉलम में आनी चाहिए। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम वाउचर पर जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले उस वाउचर को एंट्री उसके टैक्सेबल वैल्यू और सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो एक बार वो लेजर हम ओपन कर लेंगे जो हमारा बाइक रिपेयरिंग सर्विस का ये था। अब इसमें आप देख रहे हो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू वो ₹371 है और इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी जो टैक्स की जो अमाउंट है वो 39 पैसे की है, तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो अब इसकी जो एंट्री हम करने वाले हैं वो पेमेंट जनरल वाउचर में करेंगे, और जनरल वाउचर में किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। वाउचर पर आएंगे और F7 करेंगे जनरल वाउचर के लिए, और जनरल वाउचर की एंट्री करते वक्त हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे स्टेट एडजस्टमेंट को, इस पर हम क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम GST को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में नेचर ऑफ एडजस्टमेंट ऑप्शन आपको जो दिख रहा है इसमें हम करेंगे ये रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हम करेंगे और उसके बाद में एडिशनल डिटेल के अंदर आपसे कुछ यहाँ पर पूछेगा लिस्ट ऑफ नेचर एडजस्टमेंट, भी आपने जो रिवर्सल एंट्री जो कर रहे हो वो किस के अगेंस्ट कर रहे हो, कौन से रूल के अगेंस्ट कर रहे हो। तो इसमें आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि कैपिटल क्रेडिट्स हो गया, एग्जम्प्ट नॉन बिजनेस सप्लाई हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, एलिजिबल क्रेडिट हो गया, यानी कि आपने ऐसा कोई क्रेडिट जो कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया हो और उस पर जो आपने ITC लिया वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम इसको रूल को 43(1)(1) सबसेक्शन एच को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद में एग्जम्प्ट और नॉन बिजनेस सप्लाई, यानी कि ऐसा कोई एग्जम्प्ट प्रोडक्ट था उस पर हमने GST ले लिया तो वो 42 के अगेंस्ट में आएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आपके जो भी रूल लागू हो रहे आप उसमें से ये सिलेक्ट करोगे। तो मैं इसमें एक बार अदर को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सर्विस के रिकॉर्डिंग था, इस सर्विस के लिए हम इन एलिजिबल थे, तो अदर्स को करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ITC रिवर्सल एक्सपेंसेस के नाम से, तो शॉर्टकट हम Alt+C प्रेस करेंगे ITC रिवर्सल एक्सपेंसेस, और इसे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, और इस पे GST एप्लीकेबल हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, और इसको करेंगे सेव। तो अब हमें यहाँ पर वो जो जितना ITC हमने एक्सेस ले रखा था उसको ही हम रिवर्स करेंगे। अब जो टोटल हमारा था रिवर्सल एंट्री वो ₹33.39 और ₹33.39 था, तो यहाँ पर जो दोनों की वैल्यू टोटल हो जाएगी 33.39 प्लस 33.39, तो यानी कि ₹66.78। तो अब हम टू यहाँ पर करेंगे CGST टैक्स को वापस रिवर्सल, और अब हम यहाँ पर उसकी टैक्स रेट था जो 9% था और उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो ₹371 थी और 33.39, और इस तरीके से SGST टैक्स, तो इस तरीके से इसकी हम रिवर्सल एंट्री कर दी। अब ये जो रिवर्सल एंट्री करने के बाद में हमारा जो GSTR 3B पे और एनुअल रिटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम देख लेते हैं। तो डिस्प्ले पर जाएंगे, GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे, GSTR 3B को ओपन करेंगे और F2 करके इसकी मैं सारी डिटेल है जो ओपन कर दूंगा, और इसके साथ Alt+F1 के साथ डिटेल हम ओपन करेंगे, और उसके बाद एलिजिबल ITC में जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस ITC रिवर्सल में ये अदर के कॉलम में यहाँ पे ₹33.39 है जो आ गए हैं। अब जो पहले हमारे पास ITC आ रहा था CGST टैक्स है वो ₹10,260 था, अब ये ₹33.39 जो रिवर्स कर चुके हैं, अब हमारा जो नेट ITC रह जाएगा ₹10,226.71 का। इसी तरीके से ये स्टेट टैक्स का भी रह जाएगा, और इसका जो एनुअल रिटर्न पर क्या इफेक्ट आएगा, GST एनुअल कॉम्पिटिशन पर हम जाएंगे, F2 से हम इसके डिटेल को ओपन करेंगे डिटेल के साथ, और उसके बाद में स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, तो उसमें भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो रिवर्सल में एंट्री है, अदर रिवर्सल में यहाँ पर भी एंट्री है जो ₹33.39 की आ गई है। अब यहाँ पर भी जो हमारा
नेट आईटीसी है सीजीएसटी टैक्स का 10,226 रुपये और 71 पैसे ही शो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी रिवर्सल की एंट्री कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।